हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम अपनी पेमेंट की एंट्रीज को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। हमारी थोड़ी सी एंट्रीज रह गई है पेमेंट की, तो वो हम कर रहे थे टैली के जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने सबसे पहले अपने परचेज के इनवॉइसेज एंटर किए थे, सेल्स के इनवॉइसेज एंटर किए थे। अब हम अपने कस्टमर्स को पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद उनसे रिसीव भी करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स भी करेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। तो हम पेमेंट की एंट्रीज कर रहे थे, कुछ मैंने पेमेंट्स की एंट्रीज थी जो बची हुई थी वो अभी हम इसमें कवर करते हैं। तो एंट्री हमने करनी है 27 जुलाई में, क्योंकि हमारी 26 जुलाई तक की जो पेमेंट की एंट्रीज थी वो हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें 27 जुलाई में पेमेंट करनी है सीताराम एंटरप्राइजेस को। 6 लाख रुपीज़ की आपने पेमेंट करनी है HDFC बैंक के थ्रू, आपने RTGS करवाया है। तो यहाँ पे हम 27 जुलाई में सीताराम एंटरप्राइज सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम अमाउंट देखते हैं कितना है। 6 लाख रुपीज़ ये हमने लिया है एंड इसके अगेंस्ट जो यहाँ पर हमारे पास 102 है, तो यहाँ पे मैं 102 अमाउंट ले लेती हूँ। इसके अगेंस्ट मैंने, बिल के अगेंस्ट मैंने पेमेंट कर दी है एंड यहाँ पे मैंने HDFC बैंक के थ्रू पेमेंट की है और ये पेमेंट मैंने चेक से नहीं करी है, RTGS से की है। तो मैं ई फंड ट्रांसफ़र ही इसको लेती हूँ, चेक्स का मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो ये मैंने एक पेमेंट कर दी है सीताराम एंटरप्राइजेस को। उसके बाद रॉयल इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने 6000 रुपीज़ की पेमेंट की है, चेक के थ्रू किया है ये पेमेंट हमने। तो रॉयल इलेक्ट्रॉनिक्स हम ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने 27 जुलाई में ही ये एंट्री की है, 6000 रुपीज़ की पेमेंट है ये। अगेंस्ट रेफरेंस लेती हूँ मैं यहाँ पे एंड इसको मैंने पिक कर लिया। ये मैंने लिया है एंड इसको मैंने जो पेमेंट की है वो कौन से चेक नंबर के थ्रू की है, PNB के थ्रू की है एंड इसका मेरा जो चेक है वो 16 यूज़ हो चुका है 27 जुलाई में रॉयल इलेक्ट्रॉनिक्स को पेमेंट का। अब उसके बाद नेक्स्ट है मैंने क्लीनिंग एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस कंपनी में कैश में भी होते हैं तो हम वो उसकी भी पेमेंट कर सकते हैं। तो क्लीनिंग एक्सपेंसेस का हमने रिकॉर्ड तो हमने हर एक एक्सपेंसेस का रखना ही है, तो यहाँ पर हम क्लीनिंग एक्सपेंसेस के नाम से एक लेजर बना लेते हैं। इसको मैंने अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया है एंड GST को इसमें नॉट एप्लीकेबल कर दिया है और इसका मैंने रेट पिक कर लिया है यहाँ पे 10,000 मैंने लिया है एंड ये मेरी कैश में थी पेमेंट, तो मैंने इसको कैश लिया है एंड ये जो एंट्री है वो मेरी 27 जुलाई में ही है, इसको मैंने लेके एक्सेप्ट की है। अब उसके बाद नेक्स्ट है पेड टू नाहर इलेक्ट्रॉनिक्स 30 लाख रुपीज़ थ्रू PNB बैंक चेक नंबर अगेंस्ट बिल नंबर 0302। एक बारी मैंने नाहर इलेक्ट्रॉनिक्स को 28 जुलाई को अब पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे डेट हमने 28 जुलाई ले लिया है, नाहर इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने ले लिया है, इसको जो मैंने पेमेंट की है वो 30 लाख रही है, ये मैंने ले लिया, अगेंस्ट रेफरेंस लिया है एंड इसको पेमेंट हमारी हुई है, किसके थ्रू हुई है, PNB बैंक के थ्रू हुई है। यहाँ पे हम PNB बैंक लेते हैं एंड चेक नंबर इसमें मेरा 17 यूज़ होना चाहिए, तो बिल्कुल ये मेरा यूज़ हो गया 28 जुलाई में। अब उसके बाद 28 जुलाई में एक और एंट्री है पेड फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करवाया हमने PNB बैंक के थ्रू, NEFT कराई है 20,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर हम इंश्योरेंस के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है एंड इसको हम नॉट एप्लीकेबल करते हैं यहाँ पे GST को। 20,000 रुपीज़ का है एंड इसमें पेमेंट हुई है PNB बैंक से एंड ये पेमेंट हमारी NEFT के थ्रू हुई है, तो चेक हम इसमें नहीं लेते हैं। तो 28 जुलाई में मेरी इंश्योरेंस की एंट्री बिल्कुल सही है, इसको मैंने लेके एक्सेप्ट कर लिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट है मलिक रेजेंसी को हमने पेमेंट किया है HDFC बैंक के थ्रू, चेक से हमने पेमेंट किया है। मलिक रेजेंसी मैंने एक पार्टी बना ली है, कोई भी मैंने इससे सर्विसेज लूँगी इसकी ऑलरेडी बनी हुई है, तो मलिक एजेंसी को हम पेमेंट कर देते हैं। टोटल हमने अमाउंट लिया है 23,600 रुपीज़, छोटा सा अमाउंट है, हमने पूरा ही पे कर दिया इसको, अगेंस्ट रेफरेंस लिया एंड इसको मैंने पेमेंट कैसे किया है, ये मैंने पेमेंट HDFC बैंक में चेक नंबर यूज़ करके किया है, तो 16 चेक नंबर मेरा यूज़ हो जाना चाहिए, बिल्कुल ये मेरा यूज़ हो चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है मेरी पेट्रोल एक्सपेंसेस, मैंने कैश में दी है 10,000 रुपीज़, इसकी जो एंट्री है ये मेरी 29 जुलाई में होगी। तो 29 जुलाई में हमने एक बना दिया पेट्रोल एक्सपेंसेस के नाम से, तो मैं यहाँ पे पेट्रोल ही बना देती हूँ एंड इसको मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही ले लिया अभी। तो उसके बाद हमने इसको लेके यहाँ पे 10,000 की हम एंट्री पास करते हैं, कैश में हमने ये कर दिए क्योंकि छोटे मोटे खर्चे हैं, कुछ हमारे कैश में भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमने पेट्रोल
यहाँ पे आप देख रहे हैं पेट्रोल एक्सपेंसेस बाय कैश, इसको मैंने कर दिया, उसके बाद इसको एक्सेप्ट किए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है 30th of July को हमने पेमेंट किया है नाहर इलेक्ट्रॉनिक्स को, ये मैंने 30th of July में किया है, तो डेट मैं यहाँ पे 30th of July ले लेती हूँ। नाहर इलेक्ट्रॉनिक्स को किया है, कितना अमाउंट किया है, जितना इसका पेंडिंग है पूरा अमाउंट हमने पे कर दिया। इसको मैं यहाँ से कॉपी ही कर लेती हूँ, नहीं तो एक ज़ीरो की भी अगर मिस्टेक हो जाएगी तो हमें BRS मिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने एज इट इज़ उतना ही अमाउंट पिक कर लिया है। एंड ये जो पेमेंट मैंने की है, ये मैंने की है HDFC बैंक के थ्रू, ये मैंने किया है, और चेक नंबर यूज़ हुआ है इसमें 17, ये मेरा हो गया है यूज़। 30th of July में मैंने ये एंट्री पास करके इसको एक्सेप्ट कर लिया है, ये मेरा एक्सेप्ट हो गया नाहर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। उसके बाद एक और एंट्री है 30th of July में हमने सीताराम एंटरप्राइजेस को पेमेंट किया है, PNB बैंक से हमने RTGS करवाया है, तो यहाँ पे हम सीताराम एंटरप्राइजेस लेते हैं और इसका मैंने अमाउंट पिक कर लिया है 10,62,000 रुपीज़, ये मेरा यहाँ पे आ चुका है। एंड इसको मैंने लिया, ये पेमेंट मेरी PNB बैंक में RTGS के थ्रू हुई है, तो यहाँ पे मैं चेक का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये मैंने लेके इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट एंट्री है आज की 31st of July की, सीताराम एंटरप्राइजेस को हमने और भी पेमेंट की है कुछ, तो इसको मैं पहले से ही कॉपी कर लेती हूँ। एंड उसके बाद इसमें मैं पहले डेट चेंज करती हूँ 31st of July, किसको हमने पेमेंट करनी है, सीताराम एंटरप्राइजेस को, इसकी अमाउंट मैंने पेस्ट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको लिया, दोनों बिल के अगेंस्ट मैंने कर दिया, सीताराम का जो बैलेंस है वो बिल्कुल नील हो चुके हैं, हमारी सारी पेमेंट हो चुकी है। एंड पेमेंट जो हुई है PNB बैंक में चेक नंबर यूज़ करके हुई है, एंड इसका जो चेक नंबर है वो 110019 वाला यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर इसने जो ऑटोमेटिकली पिक किया है वो 110019 पिक कर लिया, बल्कि ये 18 पिक होना चाहिए था, तो अभी तो मैं इसको एज इट इज़ 18 ही लेती हूँ, हो सकता है प्रिंटिंग में मिस्टेक हो या फिर कोई और चीज़ हो, तो वो मैं बाद में चेक कर लूँगी। तो अभी हम जो ये ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है वही मैं इसका चेक नंबर ले लेती हूँ। तो ये हमारी कुछ एंट्रीज थी जो हमारी पेमेंट की रह गई थी, ये मैंने अपनी पूरी कंप्लीट कर ली है। अब कुछ दो तीन एंट्रीज ऐसी हैं जिसमें हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी है एंड उनका TDS डिडक्ट की है, तो अगर ऐसे हम कोई भी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं और उनका TDS डिडक्ट करते हैं तो उसका टैली में क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, उसके बाद हम अपना रिसिप्ट की एंट्रीज को स्टार्ट करेंगे। तो आप इतना करके देखिएगा, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिए। एंड बीच बीच में जो भी और भी टैली में अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं उनके भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के बिटवीन में ही मैं मतलब बीच बीच में करती रहूँगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।